विश्व प्रसिद्ध कैची धाम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पर क्या आपको पता है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम की स्थापना स्वयं हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करौली ने की थी। बाबा ने यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। आज यहाँ दुनिया की जानी मानी हस्तियां बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए आ चुकी है, जिनमें एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली समेत कई हस्तियां यहां आ चुकी है। इस मंदिर का निर्माण बाबा नीम करौली ने करवाया था। दरअसल बाबा अल्मोड़ा से नैनीताल की तरफ आ रहे थे, तो अल्मोड़ा रोड में जहां आज कैची धाम है वहां पर बाबा ने गाड़ी से उतरकर मंदिर के लिए जमीन को चुना था। कैची धाम ट्रस्ट के प्रबंधक प्रदीप शाह भयुदा ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि पहाड़ के लोग महाराज जी को हनुमान का स्वरूप मानते हैं। बाबा की प्रत्येक लीला में हनुमान जी का स्वरूप दिखाई देता था। ये मान्यता जो कैची की जो जगह का सब मान्यता है वो तो केवल एक ही नाम से जाना जाता है, बाबा नीम करौली महाराज, क्योंकि बाबा के आने के बाद ही इस स्थान को लोगों ने जाना। जिस समय बाबा जी महाराज यहाँ पे पहुँचे थे 1962 में, जैसा हम सुनते आ रहे हैं, उससे पहले आप बाबा हनुमानगढ़ का निर्माण कर चुके थे, तो बाबा का आना जाना रहता था। तो जब बताते हैं कि एक बार 1962 के आसपास बाबा जी रानीखेत से आ रहे थे, तो सडनली यहाँ पे जीप रोक के बाबा इस पार आ गए। इस पार आने का कारण ये था कि एक किसी से पूछा होगा यहाँ पे, मुझे वो जगह दिखा जहाँ गुफा और धोनी है, तो यहाँ तो गांव भी बहुत नीचे 200 मीटर वाले जो थे वो, उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा यहाँ तो हमने कभी ना सुना ना देखा, लेकिन बाबा की तो उनसे तो कुछ छिपा नहीं था। तो बोलते हैं कहीं पीछे से जो साथ में थे झाड़ी काटते हुए आए, क्योंकि तो बहुत घना जंगल ही था ना उस समय तो। लेकिन जो आप आज जहाँ पे आप हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं, सडनली बाबा जी वहाँ पे रुके, जिस स्थान को उन्होंने चिन्हित किया वो स्थान भी मिला। उसके बाद बाबा जब लौट के चले गए, कुछ दिनों बाद बाबा ने यहाँ पे निर्माण मतलब सफाई का काम शुरू करा दिया। अब फॉरेस्ट लैंड भी बार बार बाबा भेजते थे, फॉरेस्ट वाले भगा देते थे, ऐसे कई दिन चलता रहा। लेकिन बाबा का तो जो था कि यहाँ पे बनना है हनुमान जी का, सब कारण बनते गए, बाबा के नाम पे सब जमीन होती गई, तो बाबा ने फिर सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे जब निर्माण किया। तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उसमें एक ये भी सुना था कि एक भक्त ने कहा बाबा ऐसे टाइम पे आप ऐसे जगह आप मंदिर बना रहे हैं जहाँ पे न पानी है, न बिजली है, न रोड है और न कोई साधन है आने जाने के, तो ये मंदिर में कौन आएगा? तो बाबा सब बोलते हैं मुस्कुराते हुए, बोले यहाँ विश्व आएगा, दुनिया से लोग आएंगे, हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। और आज साक्षात वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ कौन देश का आदमी नहीं आया, और इस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा सभी यहीं पे है। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।